लखनऊ के हजरतगंज में फैली दहशत, सरेराह किया इमामुल खान का कत्ल, क्राइस्ट चर्च के गेट पर मिली लाश, ईंट से कूच कर उतारा मौत के घाट। हजरतगंज को राजधानी लखनऊ का दिल माना जाता है और यहाँ की पुलिसिंग को सबसे बेहतर, लेकिन बेहतर पुलिस के सारे दावे उस वक्त फेल हो गए जब हजरतगंज में क्राइस्ट चर्च के गेट पर ही इमामुल खान को मौत के घाट उतार दिया गया और लाश चर्च के गेट पर ही पड़ी रही। हजरतगंज थाना क्षेत्र में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम इमामुल खान है, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, उनको उन्हीं के साथी शमशेर ने ईटा मारकर घायल कर दिया है, जिसके उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में दहशत फैलाता ये मामला हजरतगंज कोतवाली इलाके के क्राइस्ट चर्च गेट का है, जहां से इमामुल खान की लाश बरामद की गई। इमामुल पेशे से रिक्शा चालक थे और उनकी हत्या ईंट से कूच कर की गई थी। इतना ही नहीं, लाश को चर्च के गेट पर ही बरसाती से ढकने की कोशिश भी की गई थी। ये वारदात पुलिस के लिए चुनौती बन गई। पुलिस ने भी कातिल को पकड़ने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए और आखिरकार कातिल को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक इमामुल की हत्या उसके ही दोस्त शमशेर ने की थी। इमामुल और शमशेर के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली और शमशेर ने इमामुल पर पत्थर से हमला कर दिया। शमशेर ने रिक्शा चालक इमामुल पर कई वार किए, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए और कुछ देर तड़पने के बाद इमामुल ने चर्च के गेट पर ही दम तोड़ दिया। इस संबंध में अवगत कराना है कि दोनों आरोपी शमशेर और इमामुल आपस में परिचित थे और दोनों का पूर्व में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद शमशेर ने इनकी ईंट सर पे ईंट मार के हत्या कर दी। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शमशेर भी रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे ही अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेगा। लखनऊ से न्यूज टर्मिनेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ मोहम्मद आसिफ दुलार की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टर्मिनेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।